ओला का जो ट्रेलर है 2 मिनट का वो आ चुका है। बेसिकली देखा जाए तो सब बहुत सारे लोग दे रहे कि ये फिल्म जो वो कॉपी है, रीमेक है, तो नहीं चल पाएगी। लेकिन आज ही देखो ना, एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्म को बहुत ही अच्छे से तरीके से उनको एक स्वरूप दिया है। इट मेक्स सम बाउंड्रीज, इट मेक्स सम डिफरेंसेस, इट मेक्स सम ट्रेडिशनल डिफरेंसेस। ऐसा नहीं कि वो पूरा पूरा कॉपी किया है, कैरेक्टर में डिफरेंसेस है। और सबसे बड़ी बात जो कहानी है, अभी तो यहाँ पे ट्रेलर में इतना ज़्यादा रिवॉर्ड है कि ऐसी एक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन जो इसकी कहानी होने वाली है वो ऑडियंस को मतलब पूरा हिला के रख देने वाली है। अजय देवगन ये बंदा ना, ये बंदा बॉलीवुड से अलग है, ये बॉलीवुड को बहुत ऊपर ले जाने वाला है। ये ऐसा नहीं कि रीमेक बना रहा है, रीमेक बना रहा है, लेकिन रीमेक के साथ ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको उनके दिमाग से सोच रहा है कि पब्लिक, वो जाके पब्लिक के जाकर वो जाके सोच रहा है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक क्या देखना चाहती है उसमें। वो जो एक्शन है, ड्रामा है, तब्बू मैम के यहाँ पे इमोशन होने वाले हैं, उनका एक एंगल होने वाला है। वो जो यहाँ पे विलन है, एकदम मास्ट टाइप का विलन यहाँ पे दिखाया गया है इस फिल्म में। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म राड़ा कर देने वाली है। अजय देवगन एज ए एक्टर बाप है, लेकिन एज ए डायरेक्टर बाप, मतलब एज ए परसेप्ट हम कहते हैं ना, हम बहुत सारे डायरेक्टर लिस्ट बनाते हैं, डायरेक्टर है बहुत अच्छे। अजय देवगन एक यूनिक डायरेक्टर है जो इस फिल्म में आए हैं, वो डायरेक्शन के उन्होंने वो कर दिखाया है। तो देखिए थिएटर में जाके फिल्म 10 मार्च को सब आप वेटिंग कर रहे हैं। जैसे ही टेलर आए सबको बहुत अच्छा लगा है टेलर, और ये फिल्म बहुत बढ़िया करने वाली है थिएटर पर। तो इसी कुछ बेहतरीन वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।